तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। और आज का नया व्लॉग, ब्रांड व्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है। आज हम आए हैं थोड़ा घूमने। ये देखिए मेरे साथ दो तीन बंदे हो रहे हैं और हम आज आए हैं वीडियो शूट करने। वीडियो भी शूट करके दिखाएंगे हम। ये लोकेशन देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो अभी हम पहुँचे, अबे बहन के भाई कर बंद अब इसको। और हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है लड़का एक गाड़ी में, क्योंकि आपको पता ही है गांव है, गांव में लड़का लड़की देखे तो फिर हॉर्न मारने से ना रहा तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो अभी हॉर्न मारते हुए, अभी देखो अभी वो वीडियो शूट की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जिससे हम वीडियो शूट करेंगे, पर फिर भी हमने छोटा मोटा जो वीडियो शूट करनी है वो हम आपको शूट करके दिखाएंगे। और ये रही साली साहिबा, वो बैठी है नीचे दूसरी साली साहिबा। ये हमारी, ये वाली हमारी वाइफ है और वो है इनका भाई, तो आपका भाई। और अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो शूट। वीडियो शूट करके आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी रील। इंस्टाग्राम पे नाम है इश्फाक हुसैन व्लॉग्स के नाम से आएंगी रील्स। साइम इश्फाक, तो दूसरे अकाउंट पे वहाँ से भी मिल सकती है आपको वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं आप रील। क्योंकि हम अब आज काफ़ी ज़्यादा रील शूट करने वाली। ड्रेस हमारा वही है जो था दो चार दिनों से, जो चल रहा है वही चल रहा है। और तो अभी हमारी साली साहिबा वीडियो बनाना चाहती हैं, पहले उनकी वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो शूट करेंगे, देन आपको बताएंगे हम कैसे कैसे शूट कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक रील शूट करनी है हमने, तो आपको दिखाते हैं हम थोड़ा बहुत कैसे रील शूट कर रहे हैं। अभी हमारे साले साहिब हमारी वीडियो शूट करेंगे तो दिखाते हैं आपको सारा कुछ, ठीक है? साले साहब ये रहे, ये रहे साले साहब। तो अभी मैं वीडियो शूट करूँगा, आपको दिखाता हूँ, छोटी मोटी रील्स बनाते रहते हैं हम, व्लॉग भी आएगा हमारा। तो चलिए तब तक शूटिंग के लिए हम रेडी हो जाते हैं, पोज पोज देते रहेंगे हम। तो हमारा ये एक शॉट हो गया है, अब नेक्स्ट शॉट हम करेंगे यहाँ पे गोल गोल घुमाएंगे हम इसको। घूम भी पा रही है तो हम मैडम को अच्छे से घुमाना सिखाएंगे। तो तो फाइनली हम वीडियोस शूट करके आ गए हैं वापस। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी धन्नो में। ये रही मेरी धन्नो। रोड इधर का बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक, डेंजरस कह सकते हैं, जिस जैसे रोड को डेंजरस कह सकते हैं ना, जो रोड डेंजरस होती है वैसा रोड है। ये रही भाई की धन्नो। और यहाँ पे गाड़ियाँ आपको गिन चुन के मिलेंगी, लेकिन हमारी किस्मत हमें गाड़ी अभी मिल रही है। तो ये लोग चल रहे हैं नीचे से, ये देखो मैडम हमारी चल रही, थक गए हैं वीडियो शूट करके। तो अभी जो है हम निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे आगे। वीडियो में बने रहिए, आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है वीडियो। ये देखो यार व्यू चेक करो आप, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त व्यू है। तो अभी हम पहुँचे हैं मंगोता, मंगोता हो ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक जगह है मंगोता। ये व्यू चेक करें आप, ऊपर से व्यू दिखाता हूँ आप। तो अभी हम रुके हैं इसलिए यहाँ पे, यहाँ पे वाइफ की एक फ्रेंड रहती है तो बोल रही थी मुझसे मिलना है, तो तभी रुके हैं हम। लेकिन रोड की हालत आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको रोड कैसा है। ये देखो ये ऐसा रोड है, इस रोड पे इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रही है गाड़ी चलाने में, गाड़ी की इतनी गंदी हालत हो गई है। ये रही साइमा, ये कर रही है अपनी फ्रेंड के साथ बात, शीशे में दिखा रहा हूँ मैं आपको, पीछे खड़े हैं बात कर रहे हैं ये लोग। ये मिलजुल के जब निकलेंगे यहाँ से तभी निकल पाऊँगा मैं। लड़कियों का मिलना तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, खतरनाक। एक कुछ इस तरह की लोकेशन पे अभी हम कोई वीडियो शूट नहीं करने जा रहे हैं, अभी हम सीधा जा रहे हैं घर को। और ये देखिए रास्ते हमारे घरों के, वो देखिए मैड में जो हमारे साथ थी जाती बार, ये तो रमखान खतरनाक स्पीड में जा रही थी, आती बार जो ये हम सबसे पीछे हैं। और
अभी हम पहुंचे हैं लब्बड़ में, रोड के जस्ट ऊपर पहुंचे हैं हम। अबे मैं क्या कह रहे, तो और लोकेशन है हमारी, लोकेशन ये चेक करें, व्यू चेक करो आप, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, एक जबरदस्त व्यू। ये देखो कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ का। ये पेड़ है बीच में, दिख नहीं रहा थोड़ा सा, थोड़ी सी मैं ऊंची जगह पे जाके आप सबको ऐसा व्यू दिखाऊंगा, आप लोग भी परेशान होंगे, मैं तो हो ही गया हूँ, आप लोग भी परेशान होंगे। तो चलिए थोड़ा और ऊंचाई पे जाके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लोग ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एक वो रहते हैं कि हम जाएं और ट्रैकिंग पे जाएं। तो हमारे लिए तो ये नेचुरली हो गया, क्योंकि हमारा ये मतलब मेरे इन लॉज का घर इसी साइड है, और मेरे लिए आना जाना हमें। तो अभी मैं इस पत्थर पे बैठ के एक रील शूट करने वाला हूँ। व्यू देखिए आप, पहले व्यू दिखाए इस साइड, अभी थोड़ी सी मतलब धुंध आ गई है तो व्यू दिख नहीं रहा है, तो अभी मैं व्यू अच्छा सा व्यू लूंगा यहाँ से। और ये पत्थर जो बड़े काम का है, क्योंकि हाइट पे है थोड़ा, और मैं थोड़ा सा एक अच्छी जगह आ जाऊंगा। ये देखो जब हम इतनी ऊंचाई पे आएंगे तो बूम बा, बहुत ही मजा आने वाला। डर भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि पत्थर बहुत ज्यादा ऊंचा, और इस साइड से आप देखोगे बिल्कुल सीधा गिर जाएगा बंदा। और अभी ये पूरा भर गया है, धुंध बहुत हो गई है क्योंकि बारिश पड़ रही है यहाँ पे, मौसम इतना ज़बरदस्त है। अभी जून का महीना है और जून में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे बंदे जो हैं बेशक में हाफ में हो, सर्दी लग रही है, और आपको धुंध से पता चल रहा होगा कितनी बारिश पड़ रही है यहाँ पे। तो अभी एक रील शूट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए रील शूट करते हैं। 1 2 3 हम लोग मुझसे आगे, क्योंकि हम रील शूट कर रहे थे, तो हमारे रील शूट करने तक ये लोग हमसे आगे निकल चुके हैं। तो अभी मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ, वैसे दिखने में तो कुछ नहीं दिखेगा अभी आपको, ये देखो पूरा मतलब वाइट हो गया है, पूरा वाइट वाइट, बट ये है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू है इस साइड का। थक गया हूँ मैं यार, बहुत ज़्यादा हाइट चढ़नी है, बहुत ज़्यादा।